और ये है गढ़देवी मंदिर। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका मेरे नए वीडियो में। तो आज है सैटरडे और अभी शाम का टाइम हो रहा है और अभी देख सकते हो लोग धूप इधर पीछे साइड से हमारे रूम में आ रहा है और मैं खिड़की के पास अभी बैठी हुई हूँ। पंखा वगैरह सब कुछ बंद किया है मैंने ताकि आवाज़ मेरा आप लोगों को क्लियर जाए। तो फिलहाल अभी जाने वाले हैं अभी हम लोग मार्केट, तो मैंने सोचा ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। आई थिंक बहुत दिन हो गया है ब्लॉगिंग किए हुए भी। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ। वैसे नॉर्मली घर पे तो सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगा के मैं रहती हूँ, बट अभी थोड़ा सा मैंने हल्का सा लिपस्टिक वगैरह लगाया है, कॉम्पैक्ट लगाया है मॉइस्चराइजर का, तो क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि आप लोग देख सकते हो गर्मी बहुत ज़्यादा है इधर। और अभी हम लोग जाएंगे मंदिर। सबसे पहले हम लोग जाएंगे थोड़ा देर मंदिर बैठेंगे, उसके बाद मार्केट सब्जी वगैरह लेना है। ज़्यादा कुछ शॉपिंग वगैरह नहीं करना है, बस मंदिर जाना था और वहीं शॉपिंग करना है। ऐसे छुट्टी है तो ऐसे टाइम वगैरह रहता है, छुट्टी रहता है तो हम लोग मंदिर ज़रूर जाते हैं। पास में ही मंदिर है तो वही हम लोग जाएंगे। बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाने के बाद। मैं मंदिर भी आप लोगों को दिखाऊंगी और कई बार अपने वीडियोस में दिखाई भी हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो में, पूरा देखिएगा। अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, साथ में जो बेल आइकन होता है ना घंटा, उसको बजा दीजिएगा ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अभी मौसम बाहर तो हवा चल रही है, पेड़ हिल रहे हैं, पत्ते हिल रहे हैं। अभी मैं घर पर हूँ तो इधर बहुत धूप लग रहा है, फैन वगैरह कूलर सब कुछ बंद है। बस अभी हम लोग निकलने वाले हैं और मैंने कुछ ना सामान मंगाया हुआ है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अभी फिलहाल मैं दिखाती हूँ, तो ये एक वेस्ट बैग है, कमर में बांधने वाला या साइड से भी आप बांध सकते हो। ये यहाँ पे से चेन दिया हुआ है इसमें और ये बैग है, बहुत ही अच्छा है, छोटा सा है। ये मैंने 268 में मंगाया है। अभी ये एक यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये एक चेन है, ये एक चेन है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं गढ़देवी मरौरा में और ये है गढ़देवी मंदिर। यहाँ बहुत सारे हनुमान जी हैं, देख सकते हैं बहुत सारे हनुमान जी लोग ऊपर बैठे हुए हैं। तो अभी हम यहाँ से एंटर करेंगे। क्या बोल रहे हैं? मंदिर में एंट्री करेंगे हम, तो इस साइड में कुआं है एक छोटा सा यहाँ पे, इसके बगल में शिव मंदिर है। इधर हाथ पैर धोने का भी जगह है यहाँ पे, और ये दुर्गा माता का यहाँ पे लगाया हुआ है मूर्ति प्रतिमा। ये हनुमान जी का बच्चा लोग है। अभी सब छीन रहे हैं हाथ से मोबाइल वगैरह। यहाँ पे हवन कुंड है, जो भी हवन वगैरह होता है यहाँ पे अष्टजाम वगैरह, या भी कोई हवन पूजा कर रहे हैं कर सकते हैं यहाँ पे। और सामने में है हनुमान मंदिर। हम लोग पहले आज सैटरडे है तो आप सबको हनुमान मंदिर हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, खास यहाँ पे पेड़ पौधा इतना ज़्यादा है ना, नीम का पेड़ आप लोग देख सकते हो, और नीम का पेड़ वैसे भी शुद्ध हवा देता है, लगाना चाहिए। तो ये चारों तरफ यहाँ पे नीम का ही पेड़ आपको दिखेगा, देख सकते हैं पूरा पूरा प्रांगण में नीम ही नीम है, सब नीम का ही पेड़ है। दिन के टाइम में भी पूरा एकदम छाया रहता है इस नीम से। और अभी तो आइए हमारे साथ पेड़ लगाइए। यहाँ पे बस यही होता है कि गांव देहात में लोग जहाँ मिलता है वहाँ कुछ देते हैं, बांध देते हैं। तो इधर हनुमान जी हैं, बाबा बजरंग बली, जय बाबा। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते हैं यहीं से। चलिए आगे दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे बहुत शांति है, बहुत ही ज्यादा शांति का अनुभव होता है यहाँ पे। और यहाँ पे है लक्ष्मी माता का मंदिर,
जय माता लक्ष्मी। अभी सारे गेट खुले हुए हैं, नॉर्मली ये सारे गेट बंद रहते हैं क्योंकि अभी धूप लगाने का टाइम हो चला है, इसलिए अभी गेट खुले हुए आ जाते हैं ना, इसलिए ज्यादातर गेट बंद ही रहते हैं। तो अभी धूप लगाने का टाइम है क्योंकि लक्ष्मी माता का मंदिर है, आप सबके दर्शन करेंगे हमारे साथ साथ। फिर हम आगे लेके चलते हैं और ये यहाँ पे सुजान वगैरह का स्पेस छोड़ा गया है हॉल टाइप में से। इधर क्या है कि शादी ब्याह भी होता है ना, शादी विवाह, शादी विवाह के लिए उधर सारा जगह है और इधर बहुत ही अच्छा साइड में अच्छा बनाया हुआ है। और मेन मंदिर है यहाँ का गढ़ देवी माता का, ये हम आप लोग को दिखाते हैं। ये गढ़ देवी माता का यहाँ का मंदिर बहुत ही फेमस है। यहाँ छपरा आसपास का बहुत ही फेमस मंदिर है ये। शुक्रवार और सोमवार को बहुत ज्यादा भीड़ होता है यहाँ पे। और यहाँ पे दो पिंडी है, एक इधर और एक इधर, माता रानी का मूर्ति है। यहाँ का स्टोरी मुझे नहीं पता है, मैं पता चला माता रानी का चरण भी है, चरण पादुका। पीछे से रास्ता है, हम लोग एंट्री किए, एंट्री था और ये है एग्जिट। पीछे है गढ़वी माता का, पीछे का स्पेस आप लोग देख सकते हैं। आज बहुत साफ सफाई नजर आ रहा है क्योंकि आज पूजा पाठ करने वाले बहुत कम लोग हैं। और ये नीम का पेड़ देखिए, ये नीम का पेड़ का जड़ देख लीजिए, जड़ खत्म हो चुका है, बिल्कुल खोखला हो गया है, फिर भी नीम का पेड़ है, देख सकते हैं कितना बड़ा अभी है। और इधर से इधर मॉडर्न फैक्ट्री नजर आ रहा है जो कि यहाँ का मढ़ौरा का बहुत ही सुप्रसिद्ध फैक्ट्री था, मॉडर्न फैक्ट्री और चीनी मिल, तो जो कि बंद हो चुका है, मतलब फिर भी अभी देख सकते हैं कुछ कुछ बिल्डिंगें हैं, ध्वस्त तरीके से हैं लेकिन है। तो इधर है भोग का रूम, इधर भोग रूम है, यहीं से यहाँ पे भी सिंदूर जो भी है खाना पीना पे जो भी तैयार होता है यहीं पे होता है। हाथ में यही होता है जहाँ पे पूजा करना चाहिए, यज्ञ जगह पे पूजा नहीं करते हैं, जहाँ जगह मिले बस वहीं पे सिंदूर देते हैं। तो यहाँ पे है राम सीता जी और लक्ष्मण जी का मंदिर, ये गेट बंद है अभी खुला नहीं है। और इधर इसी के बगल में है राधे कृष्ण का मंदिर। शादी विवाह का सारा कुछ यही होता है प्रोग्राम, खाना पीना से लेकर सब कुछ इधर ही है, रहना खाना पीना वॉशरूम वॉशरूम सब है। और यहाँ का बहुत ही नीला आसमान है, नीम का किधर, अच्छा श्री बटुक भैरव, ये है श्री बटुक भैरव और शिव जी का रह गया। आओ इधर, इधर से आप लोगों को दिखाते हैं चीनी मिल का कुछ ध्वस्त नजारा। तो इधर से देख सकते हैं आप लोग, ये है चीनी मिल का ध्वस्त नजारा, यहाँ से नजर आ रहा है। हाँ सरकार को इस पे काम करना चाहिए, अभी भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत लोगों को रोजगार मिल सकता है। फुट गया, अब क्या स्टार्ट होगा, अब दोबारा से नया से, जमीन तो बहुत है मतलब नया से स्टार्ट होगा तब, पर नहीं ये सब अब इसमें जितना मशीन उसने सब बेकार हो चुका है। फिर भी लोहा लगकर बहुत महंगा ही होगा, बिकेगा तो
बहुत दूर दूर में है ये, इधर से जितना भी दिख रहा है ना सब चीनी मिल। हम लोग किधर रूम से आए हैं वे से लेके सब। इसका अलग एक ब्लॉग भी है, उसका हम लिंक आई बटन में डालेंगे अंदर का, आप लोग देखिएगा। और फिलहाल हम लोग मंदिर में थोड़ा देर बैठेंगे, इसके बाद सब्जी मार्केट जाएंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अभी आरती होगा क्या सब लोग वहाँ से? और ये शिव मंदिर है जो कि रह गया था दिखाना, तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो इंटर करते ही बाबा गणेश का मूर्तियां लगा हुआ है। नंदी बाबा, भोले बाबा का मंदिर, जय बाबा भोले, जय शिव जय शिव जय शिव। किधर? एक हाथ टूटा हुआ है उसका, कट गया था। आ गए हैं घर, शाम हो गया है। कितना टाइम हो रहा है? 7 बज गया है और सब्जी की शॉपिंग हुई है सिर्फ। और ज्यादा थक गए हैं भाई। हाँ थक गए हैं बहुत ज्यादा, पसीना हो रहा है। तो पंखा चलाइए ना। और मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ हमने क्या क्या शॉपिंग किया है सब्जी मार्केट से। चाहिए तो चिमड़ा हो गया है। और है आलू प्याज है इधर, दिखाइए इधर। मैं कितने शौक से लेकर आई थी कि मैं हलवा पूरी बनाऊंगी, बट किसी को नहीं खानी है हलवा पूरी। हलवा पूरी नहीं खाएंगे भाई, पूरी पूरी खा रहे परेशान। हम लोग डेली सुबह में सत्तू पीते हैं, जैसे खाना बहुत धीरे धीरे में बनाते हैं, इसलिए हेल्दी है सत्तू पीना। तो फाइनली हमारा इतना सब कुछ शॉपिंग हो गया, अब हम बैठ के सब खत्म करेंगे। आओ बहन मिलकर खत्म करें। तो अभी हम लोग इस सबको खत्म करेंगे, खाएंगे।
ठंडा पानी पियेंगे, बहुत प्यास लग गया है। और कल बहुत अच्छे से ब्लॉग आने वाले हैं इसके बाद कंटिन्यू, तो बने रहिएगा आप लोग वीडियो में पूरा देखिएगा। अभी तक का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट करिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग।